हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एक ऐप के बारे में। ये ऐप बहुत ही यूज़फुल ऐप है आप लोगों के लिए, जिन भी लोगों को एवोल्यूशन ट्रैक करने में जो है दिक्कतें आ रही है, आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सारी बातें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। दिन भर में करीबन मुझे 100 से 200 ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जिसमें आप लोग मुझे ये पूछते हो कि मैम, मेरी पीरियड की डेट इतनी है तो मेरा एवोल्यूशन कब होने वाला है। तो सबको रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये जो ऐप है इसका रिव्यू भी दे देती हूँ और आपको इस ऐप के बारे में जानकारी भी दे देती हूँ। जिन भी लोगों को एवोल्यूशन ट्रैक करने में दिक्कतें आ रही है, वो इस ऐप की मदद से अपना एवोल्यूशन ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लूँगी। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैं यहाँ सर्च कर लूँगी माय ट्रैकर। ये देखिए, इसका इस ऐप का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का है। आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है, यानी डाउनलोड कर लेना है। इसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको जो है इस ऐप को ओपन कर लेना है। यह ऐप बहुत ही अच्छा है, जिनको भी एवोल्यूशन ट्रैक करने में दिक्कतें आ रही है वो इसे इजीली ट्रैक कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर योर लास्ट पीरियड। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो है, आज मेरी अप्रैल की 1 तारीख है आज। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैंने पीरियड डेट जो है वो डाल दी थी। मार्च की 14 तारीख को मुझे पीरियड आया था, और कितने दिन तक आया था ये वो भी पूछता है, यानी 14, 15, 16, 17, 4 दिन तक मुझे पीरियड आया था। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे जो है सेव कर दिया, तो ये खुद ही कैलकुलेट करके मुझे बता देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मंडे अप्रैल 1, लो चांसेज ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट। तो ये खुद ही आपको बता देता है कि आपके चांसेस कब ज़्यादा है प्रेगनेंसी के और कब कम है प्रेगनेंसी के। तो आप इसको यूज़ करके जो है अपने एवोल्यूशन डेज को भी ट्रैक कर सकते हैं, और कंसीव करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है ये। आप जो है इसका मोर वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स है। जैसे यहाँ पे मोर पे मैंने क्लिक किया, पीरियड लेंथ आप यहाँ से जो है फिल आउट कर सकते हैं। पीरियड आपके लेंथ कितने हैं, 5 दिन के हैं या 6 दिन के, 7 दिन के हैं, मतलब आपको कितने दिन पीरियड आता है। साइकिल लेंथ भी आप डाल सकते हो। मेरी 28 डेज़ की थी तो मैंने 28 डेज़ की डाली, आप 30 डेज़ की भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर लीजिए इसको, और अगर आप इसी बीच में प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो आप प्रेगनेंसी के ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, जिनको भी एवोल्यूशन ट्रैक करना है और अगर प्रेगनेंट भी हो जाते हैं तो आपको ये प्रेगनेंसी टिप्स भी देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भी जो है डाल सकते हो, मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह नहीं डाला, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है ये, आपको सिर्फ इसमें एक ही काम करना है, अपने पीरियड की डेट और कितने दिन तक आया था पीरियड वो डालना है, बाकी ये सब कुछ खुद ही कैलकुलेट कर देता है और आपको बता देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि एवोल्यूशन को ईजिली ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।